पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा भू माफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल 3.73 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। आपको बता दें, जनपद देवरिया में भू माफिया अभियुक्त राम कृपाल यादव उर्फ डोंगरा पुत्र स्वर्गीय राम वृक्ष यादव निवासी बिशनपुरा थाना सुकरौली जनपद देवरिया के विरुद्ध गिरोह बंद अधिनियम के धारा 14(1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा वार्ड संख्या 1569/2003 के आदेशों उपरांत पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत उक्त अभियुक्त की कुल लगभग 3.73 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है तथा भूमि सहित बने होटल रौनक स्टूडेंट एवं बैंक्वेट का कस्टोडियन तहसीलदार सदस्य के अधीन सुपुर्द कर दिया गया है। इस संपत्ति में को जब्त करते समय दुग्गी पिटवाकर उद्घोषणा करा दी गई तथा सार्वजनिक रूप से जनता को इस कार्रवाई से अवगत कराया गया तथा भू माफिया के विरुद्ध देवरिया एवं गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण जैसे गंभीर अपराध के कुल 5 अभियुक्त पंजीकृत हैं। देवरिया पुलिस द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध की जाने वाली लगातार कार्यवाहियों की श्रृंखला में आज एक व्यक्ति जिसका नाम राम कृपाल है, इसके ऊपर पहले से गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत है और इसके अलावा देवरिया और गोरखपुर में भी कई मुकदमे इस व्यक्ति पर हैं। इसके 3.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत आज कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों में एक होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल भी शामिल है।